नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय से एक नहीं ढेरों समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से आ जाएगा। और स्पेशली वो तमाम चीज़ें जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आपकी जमीन किसी ने दबा रखी हो तो वो आपको वापस मिल सकती है। दूसरा, कहीं आपने मकान देखा है जिसको आपको खरीदना है, उससे आप खरीद सकते हैं। अपना मकान सेल करना है तो इस क्रिया से, इस काम में आपको जल्दी सफलता मिलेगी। और शादी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, क्योंकि जिन्हें मंगल तकलीफ देते हैं उनकी शादी जल्दी होती नहीं है, 30 साल के आसपास ही शादी होती है। और यदि जल्दी करते शादी कर देते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है, विघ्न आ जाते हैं, वियोग सहन करना पड़ता है। तो ये जो उपाय है ये दोनों ही चीज़ों के लिए है। जमीन से, मिल्कत से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, और नौकरी की भी, नौकरी या व्यवसाय में यदि आप असफल हो रहे हैं तो भी आज इस उपाय को अवश्य ही करें। दूसरा, शादी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या से यदि आप जूझ रहे हैं, घर के अंदर कलह रह रही है, तो भी आप इस उपाय को करें, जबरदस्त आपको सफलता मिलेगी। और जो लोग मंगल प्रधान हैं, स्पेशली जिनका मूलांक 9 है, जिनकी राशि मेष है या वृश्चिक है, वे तमाम लोग इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों, आप जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, दिन दुगना रात चौगुना आपको प्रोग्रेस मिलेगी हर काम में। यदि आप लोग मंगल से जुड़े हुए उपाय कंटिन्यू करते रहते हैं, हनुमान जी की कंटिन्यू आप पूजा करते रहते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करें, उन्हें चोला चढ़ाएं, गुलाब का फूल अर्पित करें, लौंग की माला अर्पित करें, दोस्तों जिंदगी में उत्तरोत्तर आपकी बढ़ती ही होने वाली है। जो भी लोग मंगल प्रधान है सभी के लिए ये है, ठीक है। तो आज जो उपाय बता रही हूँ दोस्तों, यदि आप इन तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ये उपाय बहुत ही साधारण है, बहुत ही छोटा है, और जो इसका रिजल्ट है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलेगा आपको। दोस्तों, मंगलवार के दिन ही जाना है हनुमान जी के मंदिर में, ठीक है, बिना चप्पल पहने आप जाए। और यदि मंदिर आपके घर से काफी दूर है तो आप घर से चप्पल पहन करके, यदि आप कोई व्हीकल लेकर के जाते हैं तो चप्पल पहन करके जाएं, लेकिन व्हीकल को मंदिर से काफी दूर पर, मतलब थोड़ी दूर पर खड़ा कर दें और वहां पर आप चप्पल उतार दें, और वहां से मतलब कुछ तो दूरी रखें ऐसी जहां आपको खुद को महसूस हो कि इतनी दूर से मैं यहाँ पर पैदल चल करके आया हूँ, बिना चप्पल के या बिना चप्पल के। तो इस नियम को आप ऐसे भी पाल सकते हैं। तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, सरसों और चमेली का मिक्स दीपक आपको हनुमान जी को अर्पित करना है, एक गुलाब का पुष्प उन्हें अर्पित करना है, और वहां आपको प्रार्थना करनी है कि मैं आपके मंदिर से जो मिट्टी लेकर के जा रहा हूं उसमें मुझे सफलता देना, मेरे हर काम सफल हो। ये मिट्टी मैं प्रसाद के रूप में आपके मंदिर से आज लेकर के जा रहा हूं या जा रही हूं, ठीक है। और दोस्तों, आपको थोड़ी सी मिट्टी उस मंदिर में से ले लेनी है, मंदिर के प्रांगण में कहीं पर भी थोड़ी सी भी यदि कच्ची जगह है तो आप ले लें। कई मंदिरों में बिल्कुल भी कच्ची जगह नहीं होती है तो वहां आप देखना पीपल का पेड़ लगा होता है या कोई दूसरे पेड़ लगे हुए होते हैं, उस पेड़ के नीचे की मिट्टी आप ले सकते हैं। और यदि कच्चा है, आंगन जैसा खुला प्लेस है, तो आप वहां से मिट्टी ले लें। थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आप उसे लाल कागज में बांध ले, उसकी एक पुड़िया बना ले, या तो लाल कागज ले या फिर लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। कपड़ा यदि लेते हैं तो नया कपड़ा ले, एक रुमाल के साइज का, और उसमें उस मिट्टी को आप लेकर के अपने घर में चले आए, और उसे ला करके आप पूजा स्थान में रख दें। पूजा स्थान में आप 2 मिनट के लिए खड़े होकर के प्रार्थना करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कि मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आना चाहिए। रात को जब आप सोने जाते हैं उस समय उस मिट्टी को आपको अपनी तकिया के नीचे रख देना है। क्या करना है? अपनी तकिया के नीचे आपको उस मिट्टी को रख करके सोना है। सोने से पहले आपको फिर से लेटे हुए ही वो सब कुछ सोचना है जो आपकी प्रॉब्लम से, जिस प्रॉब्लम से आप निजात पाना चाहते हैं,
मिट्टी दोस्तों हर चीज को अपने अंदर खींचती है, नवजीवन देती है। आप देखना बीज आप कहाँ डालते हैं, मिट्टी में थोड़ा सा पानी डाला तुरंत उसमें से पौधा बनता है और बाहर आता है। और जो भी ये दृश्य चीजें आपको विश्व में दिखाई दे रही है सब इस मिट्टी की ही देन है। इस मिट्टी से ही हर चीज का उद्भव होता है और इस मिट्टी के अंदर वो समाहित हो जाता है। ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है दोस्तों, यदि आप समझ पाए। आप देखना व्यक्ति जब पैदा होता है उस समय उसका जो वजन होता है, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जो राख होती है उसका भी उतना ही वजन निकलेगा जितना वजन उसकी बॉडी का उस समय रहा है जब वो पैदा होता है। बहुत सारे ऐसे तथ्य, बहुत सारे ऐसे सच्चाइयां, ऐसे रहस्य इस ब्रह्मांड में हैं, जिसे आप समझ लेंगे तो आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो पृथ्वी माता है ये आपके सारे ही थॉट्स को अपने अंदर खींच लेती है। और उसके बाद दोस्तों आपको इस मिट्टी को गुरुवार के दिन, मतलब कि मंगलवार के दिन आपको इस मिट्टी को अपने तकिए के नीचे रखना है, बराबर। बुधवार के दिन आप चाहें तो रख सकते हैं, ना चाहें तो उस मिट्टी को निकालकर कहीं भी सुरक्षित स्थान में आप रख दें अपने घर में। हाँ, तकिए के नीचे रखने के बाद फिर आप उसे पूजा स्थान में मत रखना। गुरुवार के दिन दोस्तों आप इस मिट्टी को 12 बजे से पहले पहले ले जाएं पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे इस मिट्टी को दोस्तों आपको जरा सी मिट्टी हटा करके इस पुड़िया को दाब देना है और उसके ऊपर दूसरी मिट्टी डाल देनी है और एक अगरबत्ती या दो अगरबत्ती आपको लगा देनी है भगवान कृष्ण के नाम से, भगवान श्री हरि के, भगवान विष्णु का, आप जो भी उनके नाम को पूजते हो चाहते हो आप उस नाम से, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के सेवक हैं। भक्त भगवान की, भगवान भक्त की हमेशा सुनते हैं। मंगलवार के दिन लाई गई मिट्टी गुरुवार के दिन यदि पीपल के पेड़ के नीचे आप जो संकल्प करके दबाते हैं दोस्तों बहुत जल्दी उसके परिणाम आपको देखने के लिए मिलते हैं। जब मिट्टी आप पीपल के नीचे दबा रहे हैं वहां पर आप दो अगरबत्ती लगा दें, एक लोटा जल चढ़ा दें यदि चाहे, ना चाहे ना कर पाए तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप मिट्टी को दबा दें और आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। जो भी आपकी समस्या हो, इवन आपका आपको कर्जे को लेकर के भी कोई समस्या है, किसी ने आपका पैसा ले लिया है या आप कर्जा नहीं दे पा रहे हो, तो भी इस कार्य में आपको बहुत अच्छी सफलता देखने के लिए मिलेगी। करते रहे ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहे, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।